तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग के A13 डिवाइस के एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 के स्टेबल अपडेट के बारे में, क्योंकि आप सभी लोग सैमसंग के A13 डिवाइस के एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 के स्टेबल अपडेट का वेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए हमें इंडिया के अंदर एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा, और A13 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 की जो टेस्टिंग है वो चल रही है या फिर नहीं, पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सन बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें से 94% लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सैमसंग ने अपने A13 डिवाइस को इंडिया के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ लॉन्च किया था, और सैमसंग के A13 डिवाइस की अपडेट पॉलिसी के हिसाब से सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए हमें दो मेजरस अपडेट जो है वो देखने को मिलने हैं, जिनमें से एंड्रॉइड 13 का जो मेजरस अपडेट था वो सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए फर्स्ट मेजरस अपडेट था, और अब एंड्रॉइड 14 का जो अपडेट है वो सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए सेकंड मेजरस अपडेट होने वाला है। और ये 100% कंफर्म है कि सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए हमें इंडिया के अंदर एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा। और बात करें सैमसंग के A13 डिवाइस के एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 की टेस्टिंग की, तो सैमसंग ने रिसेंटली 23 दिसंबर को सैमसंग के A13 डिवाइस के ऊपर एक नई फर्मवेयर को टेस्ट किया है, और एंड्रॉइड वर्जन के अंदर आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 13 बता रहा है। तो सैमसंग ने अभी तक सैमसंग के A13 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट नहीं की है, और बताया जा रहा है कि सैमसंग बहुत ही जल्द सैमसंग के A13 डिवाइस के ऊपर एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 की जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट करने वाले। और बात करें सैमसंग की ऑफिशियल एंड्रॉइड 14 बेस्ड वन UI 6.0 की अपडेट लिस्ट की, तो अपडेट लिस्ट के अंदर सैमसंग के A13 डिवाइस को सैमसंग ने जनवरी के महीने के अंदर शेड्यूल किया है। तो सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए हमें जो अपडेट है वो जनवरी के ही महीने के अंदर देखने को मिलने वाला है, और जो अपडेट है वन UI 6.0 का वो सैमसंग के A13 डिवाइस के लिए हमें मिड जनवरी तक देखने को मिल सकता है। और जैसे ही सैमसंग अपने A13 डिवाइस के लिए इंडिया के अंदर अपडेट रिलीज कराता है वैसे ही आपको मेरे चैनल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।